सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद आज फिर से हम लोग आप सबके लिए लेके आया है एक बिल स्टाइल होम मेड रेसिपी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये है जैक फ्रूट और हम लोग आज बनाने वाले हैं जैक फ्रूट का एक बढ़िया सा नॉर्थ स्टाइल रेसिपी। और गाइस, हम लोग सबसे पहले जैक फ्रूट को काट के अच्छे से यहाँ पे जो ग्लू लगा था उसे साफ कर रहे हैं। और जैक फ्रूट को अच्छे से काटने के बाद हम लोग यहाँ पे धो रहे हैं। तो गाइस, रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बर्तन में थोड़ा सा पानी ले रहे हैं और पानी लेने के बाद हम लोग यहाँ पे जैकफ्रूट को डाल रहे हैं। एंड गाइस, जैकफ्रूट थोड़ा सा हार्ड होता है तो हम लोग सबसे पहले जैकफ्रूट को बॉयल करेंगे। अगर बॉयल हो जाएगा तो रेसिपी को पकाने में इजी हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे 5-6 मिनट अच्छे से बॉयल करने के बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ड्राई फिश ले रहे हैं। एंड गाइस, आप लोग ध्यान रखिए कि ड्राई फिश ज़्यादा ना दे, सब्जी के हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये है गाइस ग्रीन चिली, और ये है थोड़ा सा नमक। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए फिर से ढक देंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो रेसिपी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। एंड गाइस, हम लोग फिनिशिंग टच के लिए यहाँ पे कुछ अलग कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है गार्लिक पेस्ट। हम लोग गार्लिक पेस्ट और करी सूप को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे दे देंगे। गाइस, आप लोगों को बता दूं कि गार्लिक पेस्ट यहाँ पे जैकफ्रूट के रेसिपी में फिनिशिंग टच के लिए दिया जाता है। हम लोगों का यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पे हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग जैकफ्रूट रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो गाइस, गार्लिक पेस्ट को करी के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा जो रेसिपी है वो है यहाँ पे फुल्ली रेडी हो जाएगा। सो गाइस, अगर आप लोग को शुरू से लेकर एंड तक हमारा चैनल का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टिल देन गाइस, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो के लिए। तो बाय बाय।